Morning student, today we will continue our 10th chapter reproductive phase of life in human. Human ke life mein reproductive yani ki dusra individual reproduce karne ka jo phase hota hai uske bare mein thoda bahut discussion karenge. Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. यानी कि testes यानी जो female का reproductive organ है और ovary जो female का है. Male का testes and female का ovary जो capable हो जाते हैं gametes यानी कि जिसके through एक new individual produce हो सके तो वो उसके लिए कैपेबल हो जाता है. द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ जीमेट्स लास्ट्स फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल. यानी कि जो मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन होता है मेल एंड फीमेल के अंदर तो वो फीमेल के कंपेयर में मेल में लॉन्गर टाइम तक होता है. इन फीमेल ये आपका क्वेश्चन वन है जो आपको वर्कबुक में कंप्लीट करना है. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिसका आंसर. In female, the reproductive phase of life begin at puberty 10 to 12 year of age and generally last till the age of approximately 45 to 50 year. Yani ki female ke andar jo reproductive phase hota hai wo 10 to 12 year se start hota hai generally aur approximately 45 to 50 year tak rehta hai. The ova begin to mature with the onset of puberty aur ova hota hai wo mature hota hai jab puberty hoti hai. One ovum mature and it's released by one of the ovary once in about 28 to 30 days. यानी कि one ovum होता है. ovum यानी एक egg, one type of egg जो release होता है ovary में से एक दिन एक की बार once 28 to 30 days के अंदर एक बार ही होता है एक ovum ovary में से release. During this period the wall of the uterus become thick so as to receive the egg. जो ओवरी के जो यूटेरस की वॉल होती है वो थिक होती है जो एक को रिसीव करती है. इन केस इट इज फर्टिलाइज एंड बिगिन टू डेवलप अगर वो डेवलप एंड फर्टिलाइज हो जाए दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी. अगर वो वॉल ज्यादा थिक एंड फर्टिलाइज हो जाए तो उसके अंदर एक एक बिगिन डेवलप होने लगता है तब उसे क्या कहते हैं प्रेगनेंसी कहते हैं. अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है और वो एक रिलीज हो जाता है तो उसे पीरियड टाइम बोलते हैं. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलॉन्ग विथ इट्स ब्लड वेसल्स आर सेड ऑफ. अगर वो प्रेगनेंसी नहीं होता है तो वो रिलीज एग रिलीज होता है और उसमें से ब्लड वेसल में से वो शेड अप होते हैं. दिस कॉजिंग ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेस्ट्रुएशन. और जो ब्लीडिंग होता है जिसे हम पीरियड टाइम बोलते हैं उसे क्या कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 टू 30 डेज. जो पीरियड टाइम आता है वो 28 डे या तो 30 डेज के बाद आता है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इट्स टर्म मेनार्की. अगर हम फर्स्ट टाइम पीरियड टाइम पे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं वो कब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्यूबर्टीज आती है और जो हमारे अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट फ्लो स्टार्ट होता है उसे मेनार्की कहते हैं. और जब वो 45 या तो 50 ईयर के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं वो मोनोपोज कहते हैं जिसमें रुक जाता है और मेनार्की यानी स्टार्ट होता है. इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी इनरेगुलर. अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो इनरेगुलर होता है. इट टेक्स सम टाइम टू बिगिन रेगुलर. वो धीरे धीरे रेगुलर हो जाता है. ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसका आंसर क्वेश्चन नंबर वन वर्कबुक में आपको लिखना है. ओके. और जो हॉर्मोन्स होते हैं उसके थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल होता है. द साइकिल इंक्लूड द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग इट्स रिलीज. और मेंस्ट्रुएशन के थ्रू एग रिलीज होता है. थिकनिंग ऑफ यूटेरियन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर. अगर वो वॉल होती है वो टूट जाती है ब्रेकडाउन हो जाती है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है. इन केस द एग इज फर्टिलाइज इट बिगिन टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव
चैप्टर 9 में जो हमने पढ़ा था कि प्रेगनेंसी कैसे होती है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, कैसे हम बता सकते हैं कि सेक्स में ये फीमेल जो बेबी है वो मेल है या फीमेल बेबी है। तो अगर यहाँ पे हमारे अंदर, मैं आपको डायरेक्टली, आप ये पूरा रीड कर लेना, मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, हमारे यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, और जो मेल होते हैं उसके अंदर एक्स और वाई दोनों होते हैं, और फीमेल के अंदर ओनली एक्स क्रोमोसोम की पेयर्स होती है, 23 पेयर्स होती है एक्स एंड वाई जो मेल के अंदर होती है, और फीमेल के अंदर ओनली एक ही होती है एक्स एक्स, ये दोनों पेयर। यानी कि अगर जो फीमेल की स्पर्म में से एक्स आए और फीमेल में तो एक्स ही होते हैं, तो एक्स एक्स दोनों मर्ज होने से जो जिमेट्स बनता है तो फीमेल ऑर्गेन फीमेल बेबी मिलता है। अगर वाई एंड एक्स स्पर्म में से जो वाई आता है और मेल में से फीमेल में से तो एक्स ही आएगा, तो ये दोनों वाई और एक्स मिलने से जो बेबी बोर्न होता है उसमें बॉय मिलता है। इसके थ्रू हम बता सकते हैं अगर एक्स वाई मर्ज होते हैं तो फीमेल, ये इसके लिए ये मेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मेल बॉय मेल बेबी होगा या गर्ल बेबी होगी, तो उसके लिए मेल जो होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो अगर मेल में से वाई में स्पर्म आया तो वाई में तो बॉय बेबी बोर्न होगा, अगर मेल में से एक्स स्पर्म आया तो बेबी गर्ल बेबी बोर्न होगा। इसके लिए ये हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स, जो नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबोर्न बेबी, यानी कि अगर जो बेबी होगा अनबोर्न बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस कौन उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो फादर होते हैं वो उसके वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर बिलीफ दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अभी की यहाँ पे हमारे समाज में बताते हैं कि इसके लिए जो मदर होती है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली रॉन्ग है, एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। इसके लिए मदर को ब्लेम करना अनजस्टिफाइड होता है, इसके लिए फादर होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं उसके अलावा भी कितने सारे ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। द हॉर्मोन सीक्रेट बाय द पिट्यूटरी साइलिमेंटेस टेस्टिस एंड ओवेरीज टू प्रोड्यूस देयर हॉर्मोन्स, यानी ओवेरीज एंड टेस्टिस हमारे सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। यू हैव लर्न ऑलरेडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन, और जो ब्रेन से अटैच होती है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड ओवेरीज देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी सच एज थायरॉइड पैनक्रीज एंड एड्रेनल, उसके अलावा भी तीन ग्लैंड्स होती हैं, थायरॉइड पैनक्रीज एंड एड्रेनल, जो एड्रेनल यहाँ पे होती है, पैनक्रीज और कौन सी होती है थायरॉइड, जो उस जिसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, यहाँ पे पोजीशन होती है ओवरी की और यहाँ पे फीमेल के अंदर टेस्टिस की। बुजुस आंट हैड टोल्ड देम दैट काका वो सफरिंग फ्रॉम गोइटर, गोइटर अ डिजीज ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, यानी कि गोइटर में क्या होता है, जो हमारी थायरॉइड ग्लैंड होती है जो हमारे नेक में होती है वहां से नेक पूरा फूल जाता है। काकाज थायरॉइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हॉर्मोन्स थायरोक्साइन, क्यों हमें गोइटर होता है कि वहां पे जो थायरॉइड ग्लैंड होती है वहां पे थायरोक्साइन नाम का हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होता है, इसके लिए हमें थायरॉइड। देयर आंट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज बिकॉज हिज पैंक्रीज वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन इन सफिशियंट क्वांटिटी, यानी कि और उसके जो अंकल थे आंट थे उसे डायबिटीज भी था, क्योंकि उसका जो पैंक्रीज था वो इंसुलिन हार्मोन सफिशियंट जितना क्वांटिटी में हमें चाहिए हमारी बॉडी को चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। अगर हमारी बॉडी के अंदर जितनी क्वांटिटी में इंसुलिन चाहिए इंसुलिन हॉर्मोन्स चाहिए उसकी कमी हो जाती है तो हमें डायबिटीज हो जाता है। Buzu and Palidan asked their aunt about the adrenal gland, which are also shown in the chart used on the wall of the clinic.
There aren't all them that adrenal gland secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. जो एडेनल ग्लैंड होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट का बैलेंस होता है उसे ब्लड के अंदर वो करेक्टली रखती है. एडेनल अल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एडेनिल. जो एडेनल ग्लैंड होती है वो एडेनिल नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है. इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री एम्बरसेड और वरीड. अगर हमारी हम कभी भी एंग्री होते हैं एम्बरसेड होते हैं वरीड होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो एडजस्ट करता है हमारे स्ट्रेस को जो एडेनल हार्मोन होता है वो. थायरॉइड एंड एडेनल सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन. जो थायरॉइड एंड एडेनल सीक्रेट्स होते हैं वो रिसीव करते हैं ऑर्डर को जो पिट्यूटरी थ्रू के मिलता है. और पिट्यूटरी अल्सो सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन व्हिच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. जो पिट्यूटरी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए. और यहाँ पे रोल ऑफ हार्मोन्स इन कम्प्लीटली द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स. फ्रॉग्स के अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं जो लाइफ साइकिल को रोल हार्मोन्स का क्या रोल होता है इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग के अंदर वो दिया हुआ है यहाँ पे जो हमने चैप्टर 9 में पढ़ लिया था. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो बैलेंस डाइट उसके बारे में दिया हुआ है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्थ में क्या करना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और उसके बारे में किया हुआ है. क्या हमें एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो आपको केयरफुली रीड कर लेना है. जो कोई ऐसा कुछ भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है बट उसके आपको एक बार केयरफुली रीड कर लेना है. उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं इस चैप्टर के. ओके, हियर आवर 10 चैप्टर कम्प्लीट. नाउ आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. थैंक यू. If fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are said off. अगर वो प्रेगनेंसी नहीं होता है तो वो रिलीज एग रिलीज होता है और उसमें से ब्लड वेसल में से वो शेड अप होते हैं. This causing bleeding in women which is called menstruations. और जो ब्लीडिंग होता है जिसे हम पीरियड टाइम बोलते हैं उसे क्या कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. मेंस्ट्रुएशंस अकर्स वंस इन अबाउट 28 टू 30 डेज. जो पीरियड टाइम आता है वो 28 डे या तो 30 डेज के बाद आता है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इट्स टर्म मेनार्की. अगर हम फर्स्ट टाइम पीरियड टाइम पे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं वो कब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्यूबर्टीज आती है और जो हमारे अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट फ्लो स्टार्ट होता है उसे मेनार्की कहते हैं. और जब वो 45 या तो 50 ईयर के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं वो मोनोपोज कहते हैं जिसमें रुक जाता है और मेनार्की यानी स्टार्ट होता है. इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी इनरेगुलर. अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो इनरेगुलर होता है. इट टेक्स सम टाइम टू बिगिन रेगुलर. वो धीरे धीरे रेगुलर हो जाता है. ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 वर्कबुक में आपको लिखना है. ओके, और जो हॉर्मोन्स होते हैं उसके थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल होता है. द साइकिल इंक्लूड द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग इट्स रिलीज. और मेंस्ट्रुएशन के थ्रू एग रिलीज होता है. थिकनिंग ऑफ यूटेरियन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर. अगर वो वॉल होती है वो टूट जाती है ब्रेकडाउन हो जाती है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है. इन केस द एग इज फर्टिलाइज इट बिगिन टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव चैप्टर 9 में जो हमने पढ़ा था कि प्रेगनेंसी कैसे होती है. हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन. कैसे हम बता सकते हैं कि सेक्स में ये फीमेल जो बेबी है वो मेल है या फीमेल बेबी है. तो अगर यहाँ पे हमारे अंदर मैं आपको डायरेक्टली आप ये पूरा रीड कर लेना मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ. हमारे यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर
23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, और जो मेल होते हैं उसके अंदर एक्स और वाई दोनों होते हैं, और फीमेल के अंदर ओनली एक्स क्रोमोसोम की पेयर्स होती है, 23 पेयर्स होती है एक्स एंड वाई जो मेल के अंदर होती है, और फीमेल के अंदर ओनली एक ही होती है एक्स एक्स, ये दोनों पेयर। यानी कि अगर जो फीमेल के स्पर्म में से एक्स आए और फीमेल में तो एक्स ही होते हैं, तो एक्स एक्स दोनों मर्ज होने से जो जिमेट्स बनता है तो फीमेल फीमेल बेबी मिलता है। अगर वाई एंड एक्स स्पर्म में से जो वाई आता है और मेल में से फीमेल में से तो एक्स ही आएगा, तो ये दोनों वाई और एक्स मिलने से जो बेबी बोर्न होता है उसमें बॉय मिलता है। इसके थ्रू हम बता सकते हैं अगर एक्स वाई मर्ज होते हैं तो फीमेल, ये इसके लिए ये मेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मेल बेबी होगा या गर्ल बेबी होगी, तो उसके लिए मेल जो होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो अगर मेल में से वाई में स्पर्म आया तो वाई में तो बॉय बेबी बोर्न होगा, अगर मेल में से एक्स स्पर्म आया तो बेबी गर्ल बेबी बोर्न होगा। इसके लिए ये हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स, जो नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबोर्न बेबी, यानी कि अगर जो बेबी होगा अनबोर्न बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस कौन उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो फादर होते हैं वो उसके वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर बिलीफ दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अभी की यहाँ पे हमारे समाज में बताते हैं कि इसके लिए जो मदर होती है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली रॉन्ग है, एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। इसके लिए मदर को ब्लेम करना अनजस्टिफाइड होता है, इसके लिए फादर होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं उसके अलावा भी कितने सारे ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। द हॉर्मोन सीक्रेट बाय द पिट्यूटरी साइलुमेंटेस टेस्टिस एंड ओवेरीज टू प्रोड्यूस देयर हॉर्मोन्स, यानी ओवेरीज एंड टेस्टिस हमारे सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। यू हैव लर्न ऑलरेडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन, और जो ब्रेन से अटैच होती है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड ओवेरीज देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी सच एज थायरॉइड पैनक्रीज एंड एड्रेनल, उसके अलावा भी तीन ग्लैंड्स होती हैं थायरॉइड पैनक्रीज एंड एड्रेनल, जो एड्रेनल यहाँ पे होती है पैनक्रीज और कौन सी होती है थायरॉइड, जो उस जिसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, यहाँ पे पोजीशन होती है ओवरी की और यहाँ पे फीमेल के अंदर टेस्टिस की। बुजुस आंट had told them that Kaka was suffering from goiter. Goiter a disease of the thyroid gland. यानी कि goiter में क्या होता है, जो हमारी thyroid gland होती है जो हमारे neck में होती है वहाँ से neck पूरा फूल जाता है। Kaka's thyroid gland was not producing the hormones thyroxine. क्यों हमें goiter होता है, कि वहाँ पे जो thyroid gland होती है वहाँ पे thyroxine नाम का hormones produce नहीं होता है, इसके लिए हमें thyroid. Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantity. यानि कि और उसके जो अंकल थे आंट थे उसे डायबिटीज भी था, क्योंकि उसका जो पैंक्रीज था वो इंसुलिन हार्मोन सफिशियंट जितना क्वांटिटी में हमें चाहिए हमारी बॉडी को चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। अगर हमारी बॉडी के अंदर जितनी क्वांटिटी में इंसुलिन चाहिए इंसुलिन हॉर्मोन्स चाहिए उसकी कमी हो जाती है तो हमें डायबिटीज हो जाता है। Buzu and Pali then asked their aunt about the adrenal gland, which are also shown in the chart used on the wall of the clinic. Their aunt told them that adrenal gland secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. जो एड्रेनल ग्लैंड होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट का बैलेंस होता है उसे ब्लड के अंदर वो करेक्टली रखती है। एड्रेनल आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन
नील जो एड्रेनल ग्लैंड होती है वो एड्रेनलिन नाम का हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है. इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री एम्बरसेड और वरीड. अगर हमारी हम कभी भी एंग्री होते हैं एम्बरसेड होते हैं वरीड होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो एडजस्ट करता है हमारे स्ट्रेस को जो एड्रेनल हॉर्मोन होता है वो. थायराइड एंड एड्रेनल सीक्रेट्स देयर हॉर्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हॉर्मोन. जो थायराइड एंड एड्रेनल सीक्रेट्स होते हैं वो रिसीव करते हैं ऑर्डर को जो पिट्यूटरी थ्रू के मिलता है. और पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट ग्रोथ हॉर्मोन विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. जो पिट्यूटरी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए. और यहाँ पे रोल ऑफ हार्मोन्स इन कम्प्लीटली द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स. फ्रॉग्स के अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं जो लाइफ साइकिल रोल हार्मोन्स का क्या रोल होता है इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग के अंदर वो दिया हुआ है यहाँ पे जो हमने चैप्टर 9 में पढ़ लिया था. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो बैलेंस्ड डाइट उसके बारे में दिया हुआ है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्थ में क्या करना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और उसके बारे में किया हुआ है. क्या हमें एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो आपको केयरफुली रीड कर लेना है. जो कोई ऐसा कुछ भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है बट उसके आपको एक बार केयरफुली रीड कर लेना है. उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं इस चैप्टर के. ओके, हियर आवर 10 चैप्टर कम्प्लीट. नाउ आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. थैंक यू.